पत्नी के ऊपर शक करने से कितने सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा आज ये वीडियो में। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो लड़का मेरे पास में लाया, उम्र करीब करीब 35 साल की, 7-8 साल पहले शादी हुई। उसको पहले से ऐसा था कि भाई मैं सेक्स कर सकूंगा कि नहीं, मैं उतना लायक हूँ कि नहीं, इसलिए मेरे पास में उसको शादी के पहले लाया। और फिर उसको मैंने बताया कि सब नॉर्मल है, टेस्ट किया, सब एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, मतलब बिल्कुल शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। शादी किया। शादी के बाद में उसका ये कहना था कि मैंने ज़्यादा सेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने ज़्यादा वीर्य अपने पास में रखना चाहिए। तो वो बहुत बार ऐसा भी होता था कि वीर्य, मतलब सेक्स करने के, संभोग करने के समय वो वीर्य अंदर गिराता भी नहीं था, गिराने के पहले निकाल लेगा और उसको वैसे दबा देगा। हालांकि उसने बड़े मुश्किल से 2-3 बारी सक्सेसफुल संभोग किया होगा, और एक 3-4 महीने बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी जो है उसको गर्भधारणा हुई है, प्रेगनेंसी है उसको। अब इसके मन में डाउट चालू हो गया कि मैंने सिर्फ 2-3 बारी संभोग सक्सेसफुली किया है, अब 2-3 बार संभोग करने में उसकी गर्भधारणा कैसी होगी। इसका मतलब यह है कि उसका कुछ तो भी लफड़ा है, उसका कुछ तो भी बाहर संबंध है। मैं 2-3 बार सिर्फ करता हूँ और उतने में ही कैसा क्या हो गया। अब उसको समझाने में लोगों को, मतलब बहुत नौबत आ गई कि भाई समझाना कैसा उसको कुछ तो भी करके समझाया। और उसका पहले से यही था कि ज़्यादा सेक्स करने का नहीं वाइफ के साथ में, और वो मतलब कभी कभी महीने में, 2 महीने में एक आधी बार किया तो करना है। और वो डाउट भी करते रहता था वाइफ के ऊपर कि नहीं, मैं करता नहीं हूँ तो फिर ये और कहीं उसका संबंध आता होगा, ये मेरे तरफ तो केयर करती नहीं, मेरी केयर ही नहीं करती, मेरी तरफ देखती भी नहीं है, ऐसा वो भी उसका ये था। उतने में क्या हो गया कि जो भी जितना भी उसने संभोग बाद में किया होगा, उतने में दूसरा बच्चा भी, मतलब गर्भधारण हुई और दूसरी प्रेगनेंसी भी उसकी औरत को हुई। अब उसका डाउट फिर से आ गया कि ये तो बच्चा मेरा पक्का नहीं है, मेरा मुझे तो लग रहा था ऐसा कि ये बाहर संबंध है, मैं तो हार्डली कभी संभोग करता हूँ और उसमें बच्चा कैसा हो गया। अभी मुझे ये आपको बताने का है, एक बार भी संभोग करने से बच्चा हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए 10-15 बार करना पड़ता है, नंबर एक, क्योंकि आप कौन से समय पर करते हैं वो डिपेंड है। और नंबर दो, ये जब ऐसा होता है कि जब आदमी सेक्सुअली वो फिट नहीं रहता या सेक्सुअली उसके मन में डाउट है, तो फिर वाइफ के प्रति उसकी शक, उसके शक चालू हो जाते और फिर वो कंटिन्यूसली शक करते रहता है। अभी ये जो लड़का है, ये 8 साल हो गए शादी को, अपने पत्नी को बाहर कहीं घुमाने ले जाएंगा नहीं, बाहर उसको जाने की इजाज़त ही नहीं है, सिर्फ वो डिलीवरी के समय बाहर गई बस उतना ही है, बाकी कहीं जाने का नहीं। उसको कितनी भी तकलीफ होगी तो कोई डॉक्टर के पास में लेके जाएगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि बाहर जाएंगे, डॉक्टर के पास में जाएंगे, फिर वहाँ कुछ तो भी गड़बड़ करेगी। है एकदम जैसा उसने जेल बना के रखा हुआ है घर में, और उसको शक है कि दोनों बच्चे जो अपने हैं वो अपने खुद के नहीं है, इसका बाहर का ही है। और वो जीवन जी रहा है, वो कोई कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ जाता है, कमाई करता है, घर में लाएगा, मगर घर में अपने क्लोज रिलेटिव है उनके ऊपर भी शक करेगा, उसके खुद के पिताजी के ऊपर शक करेगा कि नहीं मेरे पिताजी के और मेरे पत्नी के संबंध होंगे, भाई के ऊपर शक करेगा। और वो मतलब इतना ऐसा वायलेंट भी नहीं होता है वो, है ना, मतलब चल रहा है पिछले 8 साल से दुनिया, मतलब ज़िंदगी चल रही है, मगर सब अशांति घर में पैदा है, सब अशांत है, लोग समझता नहीं कि करना क्या, बाकी नौकरी कर रहा है, कमाई कर रहा है और वाइफ के ऊपर कंटिन्यूसली कंट्रोल रखे हुए हैं। वाइफ तंग आ गई कि कहीं बाहर आना जाना नहीं है, कहीं मायके जाने का नहीं, कुछ नहीं करने का है, और खुद भी उसके उसका उसकी जो इच्छा है वो पूरी करता नहीं है, सेक्सुअली उसकी जो डिज़ायर है वो भी पूरी करता नहीं है, इस तरह का जीवन जी रहा है। जब उसको मेरे पास में लाया तो मुझे दिखा कि भाई ये तो पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया का पक्का पेशेंट है। उसको डायग्नोज ने पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया किया। मतलब अभी पिछले 8 साल से ये चालू है, उसको तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे, दवाई से होगा नहीं होगा मुझे डाउट है। और ये अभी इतना ज़्यादा हो गया था पिछले 8-15 दिन में कि उसको, मतलब घर में उसका थोड़ा वायलेंस होना चालू हो गया था। आप बोलते हैं तो हम उसको दवाई देके ट्राई कर सकते हैं, पहले बोले नहीं, हम तो इतने तंग आ गए कि अभी वो मर गया तो चलता है, हमको कुछ भी करो आप उसको अच्छा करो। उसको मैंने शॉक ट्रीटमेंट चालू किया, 3 ECT, मतलब 3 शॉक में उसको इतना फर्क हो गया और घर के लोग इतने खुश हो गए, बोले हम 8 साल तो फालतू कमाए इसमें। मुझे आपको ये बताने का है कि लोग घर में अपने अपने दिमाग से इलाज करते रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं है तो उसका स्वभाव है, शकेला स्वभाव है, चलाओ और चलाते रहते हैं। एक्चुअली पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है ना, ये लोग अपने लाइफ में काम करते रहते, कमाई करते रहते हैं, स्वभाव शकेला रहता है तो लोग चलाते रहते उनको, मगर इनको, उनका यदि हम इलाज करते हैं
तो इलाज से वो लोग अच्छे होकर उनका जीवन और लोगों का जीवन अच्छा जी सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों को फैलाओ। आपको जो भी लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई शकीले लोग हैं, डेफिनेटली उनको ये वीडियो बताओ। एक तो वो अच्छा हो जाएंगे वीडियो देख के कि वे अपने शकीले स्वभाव अपना बदलना पड़ेगा, या उनके इर्द गिर्द के लोग उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।